दोस्तों आज का गेम देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज सालाना लड़ने वाली है पिकनिक गार्डन काइट लवर वर्सेस गोल्डन काइट क्लब से। सालाना का गेम है आज और देख सकते हैं बुबाई दा यहाँ पर कैप्टन पिकनिक गार्डन काइट लवर के। कैसे है बुबाई दा आप? हम ठीक है, और तुम कैसे हो? बोलो। मैं भी अच्छा हूँ सर। और बोलना चाहता हूँ हम लोग में सालाना जो लड़ रही है हम लोग की कौन पतंग है? हम लोग का तौकिया है। तौकिया हम लोग लड़ाएंगे, ठीक है। और लोग बॉलियर लड़ाएगा। अच्छा, वो लोग बॉलियर लड़ाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं मैं तौकिया दिखा देता हूँ। ये सर हम लोग का देख सकते हैं रूमी भाई है। ये पतंग हम लोग की आज लड़ने वाली है। सालाना में रूल्स वो होता है एक पतंग कोई एक टीम पूरी लड़ाएगी और फिर दूसरी जो दूसरी टीम है वो दूसरी पतंग पूरी लड़ाएगी। आप समझ रहे हैं? ये देखिए ये तौकिया है। ये जी 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 हम लोग जैसा ये मैं पिकनिक गार्डन काइट लवर के पास हूँ तो यहाँ पर ही आज तौकिया उड़ने वाली है। ये देखिए ये पतंग उड़ने वाली है। सबके पास वही पतंग होंगे। देखिए हाथ में देखिए यहाँ पर दुष्टुदा है खतरनाक। ये देखिए विवाद सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। और ये देखिए रूमी भाई, रूमी भाई थोड़ा पतंग दिखा दीजिए सर अपना। ये देखिए ये पतंग है, ठीक। पिकनिक गार्डन का ये लोगो है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको। तो देखते हैं दोस्तों। हाफिज सर भी है, देखिए। तो मैं गोल्डन काइट क्लब की तरफ आया हूँ। सालाना लड़ने वाली है, देख सकते हैं सब भैया यहाँ पर ही तैयारी करते हुए। आज बॉलमार लड़ाएंगे, देख सकते हैं गोल्डन काइट क्लब, देख सकते हैं बॉलमार लड़ा रहे हैं। ये देखिए बॉलमार पतंग आज लड़ा रहे हैं दादा लोग। देखिए सालाना बहुत ही अच्छा। कैसा लग रहा है आज का माहौल? खूब बढ़िया ना, देख सकते हैं सब मेंबर्स है। दादा आपका नाम? वाइस कैप्टन है, देख सकते हैं। मेरा नाम गोपाल। अच्छा, गोपाल भाई है हमारे वाइस कैप्टन और कैप्टन अभी आ रहे हैं। तो ये लड़ने वाली है ये पतंग, देखिए भाई लोग ये पतंग लड़ाएंगे। यहाँ से ये लड़ेगी और पिकनिक गार्डन से लड़ेगी टॉक पतंग, देख सकते हैं। और आपका नाम सर? देख सकते हैं सब। और आपका नाम सर? अंजन। अंजन भाई है, वो सब एक से एक मेंबर्स देख सकते हैं यहाँ पर ही गोल्डन काइट क्लब से लड़ा रहे हैं आज। दादा आपका नाम? दादा संजीव। संजीव भाई भी है, देखिए बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो पे एंड तक देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको दोस्तों। बहुत एक से एक टेक्निक्स वाला पेज आपको सिर्फ सीखने मिलेगा इस वीडियो में। तो जल्दी से हम लोग पेज की तरफ चलते हैं। टीम का पहला पेज मैं दिखा देता हूँ। ऊपर से देखिए राइट हैंड साइड से हमारे बुबई दा है और नीचे से है देखिए संजीव भाई गोल्डन से। चलिए संजीव भाई ने बाहर खींचा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर ही अंदर खड़ा खींच के यहाँ पर ही काट दिए हैं संजीव भाई ने बुबई दा को। और पहला पेच यहाँ पर ही हो चुका है यहाँ पर ही गोल्डन काइट केसेस है। सालाना का ये पहला गेम है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये देखिए ये हमारे बुबई दा थे जो अभी कट गए, अच्छा पेज लड़ाया वहाँ से गोल्डन काइट क्लब से संजीव भाई। तो विवेक भाई का पेज मैं दिखा देता हूँ। सेकंड पैच है ये गेम का। हमारे विवेक भाई लड़ाएंगे पिकनिक गार्डन काइट लवर से। ऊपर से जो पतंग है देखिए राइट हैंड साइड से ध्यान दीजिएगा वो विवेक भाई की है और नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से बने हुए हैं संजीव भाई गोल्डन काइट क्लब से। चलिए पेज की दूरी 500 मीटर। पेज सही हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पेज भी सही हो चुका है। देखिए हाथ की तरफ ढुकते हुए विवेक भाई भी देखिए धीरे धीरे उनकी झोल की तरफ जाते हुए चेहरे की तरफ अंदर बाहर किए जा रहे। संजीव भाई ने पूरा उठाया है, विवेक भाई देखिए चेहरे की तरफ गद्दा मार रहे हैं, वो पूरा खड़ा करके खींचे। बहुत ही अच्छा डबल करके यहाँ पर ये पहाड़ी झटका मार के यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर ही काट दिए हमारे विवेक भाई ने पिकनिक गार्डन काइट लवर से। और बहुत ही अच्छा पेच खेला है यहाँ पर हमारे विवेक भाई ने। ये देखिए ये हमारे विवेक भाई है, अच्छा पेज लड़ाए हैं पिकनिक गार्डन काइट लवर से। सेकंड पैच गेम का। विवेक भाई का मैं दूसरा पैच दिखा देता हूँ। अब नीचे से लड़ाएंगे हमारे विवेक भाई जो राइट हैंड साइड से, देखिए नीचे जो पतंग है राइट हैंड साइड से वो हमारे विवेक भाई की है पिकनिक गार्डन काइट लवर। और ऊपर से है अंजन भाई, ऊपर से अंजन भाई आए हैं इस बार गोल्डन काइट क्लब से, ध्यान दीजिएगा। सालाना का गेम हो रहा है दोस्तों, बहुत धमाकेदार ये गेम हो रहा है दोनों के बीच में। देखना है कलकत्ता में भी सालाना बहुत कोई अभी लड़ाने लगे हैं तो अच्छा लगता है। चलिए नीचे से देखिए ध्यान दीजिएगा, नीचे से राइट हैंड साइड से विवेक, ऊपर से है अंजन भाई। पेच की दूरी 400 मीटर, ध्यान दीजिएगा पेच सही नहीं हुआ है, सही का इशारा। चलिए पेच सही हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पूरी हाथ की तरफ झुकते हुए। देखिए अंजन भाई देखिए चेहरे की तरफ जाते हुए फिर से हाथ की तरफ आए, वो भी उनके हाथ की तरफ ढुकते हुए। विवेक भाई देखिए अंजन भाई ने गद्दा रख दिया है, विवेक ने उल्टा पट मारा है, देखिए वो भी पट मार रहे हैं, दोनों पट मार रहे हैं, पतंग पूरी नीचे हो गई। देखिए वहीं से झोल खींचने की कोशिश, वो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ही
अंदर वो रख दिया, यहाँ पर विवेक भाई ने अंदर ही झटका के यहाँ बहुत ही शानदार पेज काट दिया है पिकनिक गार्डन काइट लवर से। दो पतंग हो चुके हैं विवेक भाई की। आई दोस्तों तीसरा पैच मैं दिखा देता हूँ हमारे विवेक भाई का। राइट हैंड साइड से नीचे से बने हुए हैं विवेक भाई, ऊपर से गोल्डन काइट क्लब, लेफ्ट हैंड साइड से पेच की दूरी लगभग 500 मीटर में लड़ रही है पेच। चलिए देखिए हाथ की तरफ ढुकते हुए पेच अभी सही नहीं हुआ है दोस्तों, पेच अंदर ही अंदर आते हुए विवेक भाई देखिए नीचे करके, देखिए पॉट करके हाथ की तरफ जाते हुए राइट हैंड साइड से नीचे से है विवेक भाई। तीसरा पैच मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ऊपर से है गोल्डन काइट क्लब सलाना का, ये पांचवा पेज लड़ रहा है टोटल मिला के बोल रहा हूँ मैं। चलिए पेज की दूरी 500 मीटर सही का इशारा हो चुका है, पेज सही भी हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आवाज़ आपको आ चुकी होगी, पेज सही हो चुका है ध्यान दीजिएगा। विवेक भाई पूरी देखिए झोल की तरफ जाते हुए नीचे से हाथ की तरफ, गोल्डन ने गद्दा मारा है फिर से देखिए हाथ की तरफ जाते हुए पूरी, देखिए वहाँ पर ही गद्दा रखा है विवेक भाई ने चला के देखिए पट करके फिर से हाथ की तरफ जाते हुए ध्यान दीजिएगा रोका, वहीं हाथ की तरफ जाते हुए वो वहीं रखे हुए वो देखिए गद्दा मारा है। विवेक भाई ने चपटा बाहर खींचा है बहुत अच्छा, यहाँ पर ही गद्दा मार के यहाँ पर ही शानदार पेच गोल्डन काइट क्लब से काट दिए हैं, अच्छा पेच काटा है यहाँ पर ही हमारे विवेक भाई को। ये दोस्तों सब गोल्डन काइट क्लब के जितने मेंबर्स हैं सब आ चुके हैं, देख सकते हैं सलाना का आज गेम हो रहा है जैसा मैं बोल रहा था। देवाशीष दा भी आ चुके हैं, कैसे देवाशीष दा? चलिए अब सेलिब्रेशन होगा, केक कटेगी, देख सकते हैं गुजा भाई भी है हमारे पिकनिक गार्डन में, देख सकते हैं देवाशीष दा है गोल्डन से और भी अंजन दा है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, गोपाल भाई है देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला। अब केक कटेगी देखिए पिकनिक गार्डन में, यहाँ बुबई दा कैप्टन ये देखिए, चलिए थोड़ी देर में केक कटती है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। क्यों दिखा रहे हो? देवाशीष दा कैसे है, कैसा लगा? बहुत अच्छा, तो बहुत मजा आ रहा है आमने सामने आज मुलाकात हो गया, ऐसे तो वीडियो देख रहे थे ना? हाँ वीडियो तो आपका देखते ही। चले कैसा लगता है? अच्छा है, पुचर है, सबको मिलता है, कहाँ पे क्या होने वाला है सब न्यूज मिल जाता है आपके, तुम लोगों मेहनत बहुत करते हैं ना, सब लाइक करो उसका। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कलकत्ता वाला लाइक करो, बिल्कुल बिल्कुल लाइक करते हैं, मेहनत बेकार नहीं जाएगा, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, कोई बात नहीं, अभी प्लीज। हैप्पी सालाना, हैप्पी सालाना, हैप्पी सालाना। हाफिज भाई को थोड़ा जूम में आ जाएगा, हैप्पी सालाना अमर भाई, सब आ जाएगा, सब जूम आउट जूम इन, अमर भाई हैप्पी सालाना, हैप्पी सालाना, हैप्पी सालाना, सब दूर दूर से बिट्टू भाई आ जाओ, बिट्टू भाई थैंक यू देवाशीष दा, बिट्टू भाई ठीक है, ऐसे ऐसे बिट्टू ऐसे बिट्टू ऐसे घुड़ी फेरा था, घुड़ी फेरा था। आज का गेम हो रहा सलाना, नहीं किसी को जलाना, दिल को एक पतंगबाजी करके बहलाना, बहुत अच्छा और इसी का नाम है सलाना। आज बहुत सारा सीनियर प्लेयर आए हुए हैं, जी 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 देख सकते हैं देवाशीष दा, हम लोग हाथ मिलाते हुए पहले हम लोग इज्जत दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत करें उनको, ताली मारो भाई, सब सब क्लैप करो भाई, हैप्पी सलाना। और सबसे बड़ा ये बात है हम लोग पतंगबाजी क्यों करते हैं देख सकते हैं, पूजा भैया कुछ बोलते हैं, ये बहुत ट्रेडिशनल पतंगबाजी है, पतंगबाजी का मतलब हम लोग आदमी जिम में जाता है, कोई हैंड मारता है, कोई बॉडी करता, कोई ऐप वगैरह लैप, ये पतंगबाजी ऐसा खेला है हर पार्ट आपका हर पुर्जा हिलता है, सबसे बड़ा बात है आपको दिमाग शार्प होता है, आंख जो ट्रेन चलाता है उससे भी बड़ी आंख साफ होता है इसमें, और सबसे बढ़िया बात है खुद का गेम खुद का हाथ में, बस खुद का गेम खुद का हाथ में, काटो कटवाओ खुद का जमींदार, मंजा गुड्डी साथ में साथ में चलो चलो कितने बड़ा में काटी, चलो चलो ताली, बहुत ही मजा होगा अगला जो होने वाला वीडियो, तीनों दास से देखिए मजेदार गेम होगा, बहुत मजेदार गेम होगा आज, देखिए हाथ मिलाते हुए सब सीनियर प्लेयर, तू काट तू काट, ये देखिए तू काट, देख सकते हैं केक कटने वाला है दोस्तों, आप ऐसे रखो, ऐसे पकड़ के रखो,
जब क्लोज होगा थोड़ा सामने से आ जाएगा फिर पतंग पतंग यहां পরে ছবি তুলবে গ্রুপ পিকনিক গার্ডেন কাইট ক্লাব ভার্সেস গোল্ডেন কাইট ক্লাব বড়নগর सेलिब्रेशन हो गया दोस्तों देख सकते ये कुछ महफिल है थैंक यू देवाशीष दा देख सकते हैं देवाशीष दा ने मुझे गिफ्ट किया थैंक यू सो मच बोलिए हमारे व्यूअर्स को बहुत मेहनत कर रहा है टाइम दे रहा है पतंगबाजी को बढ़ावा दे रहा है और न्यूज इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के माध्यम में आता है सबको जानकारी मिलता है लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सूरज को मेरी तरफ से मेरे हाथ का खुद का पतंग देख सकते हैं गिफ्ट करते हुए देवाशीष दा सूरज भाई को गिफ्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच देवाशीष दा थैंक यू ये देख सकते हैं अपने हाथ का पतंग हम तो अद्दा बनाते ही नहीं उतना ठीक है ये देखिए हबीब सर भी कुछ देते हुए वाह 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 गिफ्ट पे गिफ्ट देख सकते हैं अच्छी बात है पौना दिया है हाफिज सर देते हुए देखिए देवाशीष सर जाने के टाइम हाफिज भाई को जी जी हाथ का आपदा देखे जाएंगे बिल्कुल बचा तो ये देखिए पूरा के काट जाएंगे मेरा आपका पतंग बचा के गिफ्ट में देना है चलिए चलिए ठीक ये मेरा रिजेक्ट गुड्डी हम उड़ाता है अच्छा वाला भेज देता बाहर सबसे बड़ी बात है लोग क्या करते हैं अभी ठीक है तो आज दोस्तों देख सकते हैं आज कौन पतंग उड़ा रहा है सबका वीडियो बनाने वाला आज पतंग उड़ा रहा है ये है सूरज भाई पेज पे जा रहा है थोड़े शर्मिले मिजाज के हैं हमारे सूरज भाई सबका वीडियो बना लेते हैं लेकिन अपना नहीं बनाने दे रहे थे लेकिन हमने आज इनका पेज का वीडियो बनाने के लिए हमने बोला तो देख सकते हैं थोड़ा पेज थोड़ा दूर लड़ रहा है ये पट करते हुए सूरज भाई नीचे से अपोनेंट वाले का सूरज भाई ऊपर से लड़ा रहे हैं ये सही हो गया ये गेम सही हो गया दोस्तों देख सकते हैं ये धीरे धीरे बैठाते हुए जाते हुए अंदर अपोनेंट के हाथ में ये बैठाया पतंग सूरज भाई ने और ये चल दिया पावर से क्या पेच काटा है खूब खूबसूरत पेच काटा सूरज भाई ने गद्दा मार के दोस्तों इस पेच को देख लेते हैं राइट हैंड साइड से देखिए ऊपर से है बिट्टू भाई पिकनिक गार्डन से और नीचे से है देखिए गोल्डन के मेंबर्स लेफ्ट हैंड साइड से पेज सही हो चुका है दोस्तों ध्यान दीजिएगा देखिए पूरा उठा के दिया है देखिए अंदर का गद्दा शो किया रोका वो चपटा बाहर खींचे है बिट्टू भाई ने आप अपनी दम लगाया वो भी खींच रहे हैं बढ़िया पेज यहाँ पर ही गोल्डन के मेंबर्स ने काट दिया है अच्छा पेज काट दिया है यहाँ पर ही कैसा लग रहा है आज का गेम बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया ना आपका खाली रिटायर भी मिल गया चलो और हमने जो दिया आपको वो कहाँ है वो तो घर रख के आ गए अच्छा घर रख के आ गए चलो ठीक है ये भर जाएगी तो उस लटाई में घुटा लेना वो तो और बड़ी है ना हाँ। चलिए कैसा लगा मैंने मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा अच्छा चलिए ठीक है चलिए मैं आप दिखाता हूँ पेज आप भी जुड़े रहिए ठीक है चलिए आई दोस्तों इस पेज को भी देख लेते हैं नीचे से बने हुए देखिए गोल्डन के मेंबर्स नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से गोल्डन के मेंबर्स और ऊपर से आए पोचू भाई पिकनिक गार्डन काइट लवर से पोचू भाई भी लड़ा रहे हैं टीम में आ गए हैं ध्यान दीजिएगा पेज भी सही हो चुका है ऊपर वाली पतंग देखिएगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड से पोचू भाई पूरी हाथ की तरफ देखिए पूरे ढुके हुए पूरी हाथ की तरफ और गोल्डन के मेंबर्स देखिए ऊपर में है गोल्डन नीचे से है गोल्डन के मेंबर्स गोल्डन काइट क्लब देवाशीष दा भी आए हैं वहाँ पर ही आप जैसा देख सकते हैं वीडियो में आप देख लिया होगा रोका देखिए अंदर का गद्दा शो किया उल्टा पट मार रहे हैं बाहर रखा है अंदर का गद्दा शो किया है वो चपटा बाहर खींचे हैं पोचू भाई ने देखिए अपने बाहर चपटा खींचे हैं वो कंटी पट मार रहे हैं दोनों अपना ताकत लगाया बहुत अच्छा यहाँ पर ही लेके चल गए हैं पोचू भाई और इस पतंग से पहला पेज काट दिए हमारे पोचू भाई पिकनिक गार्डन काइट लवर से
ये देखिए पोचू भाई बहुत ही अच्छा पेच खेला, चपटा बाहर खींचा है, गद्दा मार के अच्छा पेच काटा है और पहला पेच काट दिया है दोस्तों। चलिए मैं आप दूसरा पेच दिखाता हूँ, हम नीचे से लड़ाएंगे हमारे पोचू भाई। पोचू भाई नीचे से लड़ाएंगे ना आप? जी भाई। जी 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 चलिए ठीक है, उधर चल जाए। आई दोस्तों नीचे से पोचू भाई राइट हैंड साइड से और ऊपर से है गोल्डन काइट क्लब से लड़ा रहे देवाशीष दा लेफ्ट हैंड साइड से। पोचू भाई ने पूरा उठाया, देखिए देवाशीष दा ने गद्दा मारा है, फिर से उठा लिया पतंग। पोचू भाई की पतंग देखिए नीचे से राइट हैंड साइड से, ध्यान दीजिएगा पूरी हाथ की तरफ झुकते हुए रोका, पूरा गद्दा मारा है, चपटा बाहर खींचा है, वो बाहर का गद्दा मारे हैं। अच्छा पेच यहाँ पर देवाशीष दा ने काट दिया है हमारे पोचू भाई को, बहुत ही अच्छा पेच खेला है। अंदर का गद्दा यहाँ पर ही क्या करना था, डोर छोड़ के बाहर थपकना था जोर से, तब यहाँ पर ही कुछ हो सकता था दोस्तों। और बहुत अच्छा पेच खेला यहाँ पर ही गोल्डन काइट क्लब से हमारे देवाशीष दा। भाई दोस्तों हम इस पेच को देख लेते हैं, ऊपर से है अमर भाई राइट हैंड साइड से और नीचे से है बाबू। बाबू आए हैं इस बार लड़ाने गोल्डन काइट क्लब से, नीचे से बाबू। पेच की दूरी 600 मीटर, पेच सही हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से हमारे बाबू लड़ा रहे हैं गोल्डन काइट क्लब से और नीचे से ऊपर से है अमर भाई। चलिए हाथ की तरफ रुकते हुए तेज़ी से देख सकते हैं बाबू बहुत बढ़ करके हैं, अमर भाई की भी पतंग काफ़ी बढ़ है बट अभी घट कर लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए वो गद्दा मारा है बाबू ने, उल्टा पट मारा, अमर भाई ने रोक के देखे सीधा गद्दा मारा है, फिर वो उल्टा पट मार रहे हैं, बाहर चपटा खींचा है, बाबू लाट दे रहे हैं, सीधा गद्दा मारा है बाबू, देखिए ओ वाह 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 वाह, बस डोड़ों में रख लिया दोस्तों। और अच्छा पेच खेला है यहाँ पर गोल्डन काइट क्लब से हमारे बाबू ने। आइए दोस्तों इस पेच को देख लेते हैं, नीचे से बाबू बने हुए हैं और ऊपर से देखिए राइट हैंड साइड से ऊपर से आए पोचू भाई। चलिए पेच भी सही हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा नीचे से बाबू बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बाबू, ध्यान दीजिएगा नीचे से बाबू और ऊपर से है देख सकते हैं राइट हैंड साइड से आए हैं पोचू भाई। बाबू ने इससे पहले बहुत अच्छा पतंग काटा है, चलिए बाबू ने पूरा उठा के दिया है, ध्यान दीजिएगा हाथ की तरफ ढुकते हुए। पोचू भाई ने गद्दा मारा, देखिए बाबू ने उल्टा पट मारा, रोका। पेच की दूरी कम से कम 600 मीटर में लड़ रही है दोस्तों। ये देखिए चपटा बाहर खींचा है, गद्दा मारा है, बाबू ने पूरा दम लगाया है, बहुत अच्छा पेच यहाँ पर ही चपटा बाहर खींच के बाबू ने यहाँ पर ही काट दिया है पोचू भाई को। और इस पतंग से आई थिंक 3 पतंग काट चुके हैं हमारे बाबू, देख सकते हैं गोल्डन काइट क्लब से। सालाना का ये गेम हो रहा है दोस्तों, जो 7 पतंग काटेगा वो जीतता है। आपको जैसा पता है रूल्स, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपको लेट में बताया मैं रूल्स। सालाना का ये होता है जो 7 पहले काटेगी वो टीम जीत जाती है। तो अभी ने बाबू ने इससे 3 या 4 पतंग काट चुके हैं और देखते हैं बाबू कितना काट पाते हैं। आइए दोस्तों इस पेज को भी देख लेते हैं, बाबू लगातार 3 पतंग काटने के बाद चौथा पेज में दिखा रहा हूँ। नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से बाबू, ध्यान दीजिएगा, और ऊपर से आए हैं गुजा भाई, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड से गुजा भाई। चलिए पेज भी सही हो चुका है, नीचे से बाबू पूरी हाथ की तरफ ढुकते हुए, देखिए गुजा भाई ने चपटा बाहर गद्दा दिखाया शो किया, बाबू देखिए हाथ की तरफ आके चढ़ के आ रहे हैं, चेहरा की तरफ जाते हुए बाबू ने पट किया। गुजा भाई की पतंग देखिए ऊपर से है, देखिए बाबू ने पूरा पट करके नीचे कर लिया पतंग और यहाँ पड़ी। गुजा भाई भी देखिए उनको छोड़ नहीं रहे, जाने नहीं दे रहे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बाबू फिर से हाथ की तरफ ढुकते हुए, गुजा भाई भी उनके चेहरे की तरफ जाते हुए देख सकते हैं जगह नहीं दे रहे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जगह नहीं दिया जा रहा। बाबू ने पूरा उठाया है, गुजा भाई ने देखिए गद्दा सो किया है, बाबू ने चपटा बाहर खींचा, गुजा ने अंदर का गद्दा मारा है, थपक रहे हैं और वो काटे, बहुत ही अच्छा पेच यहाँ पड़ी। और ये देखिए उठ के आ गई पतंग हमारे गुजा भाई की, बहुत ही अच्छा खेला भाई, बहुत ही अच्छा पेच खेला हमारे गुजा भाई ने। आइए दोस्तों इस पेच को देख लेते हैं, हमारे नीचे से रूमी भाई राइट हैंड साइड से रूमी भाई, ऊपर से गोल्डन के मेंबर्स गोल्डन काइट क्लब। चलिए पेच भी सही हो चुका है, रूमी भाई ने पूरा बाहर खींचा है, वो गद्दा मारे देखता है, रूमी भाई ने पलट के बहुत ही शानदार पेच काटा है हमारे रूमी भाई ने, शानदार पेच खेला है, पलट के आप कंटी पट मार के काट दिया है गोल्डन काइट क्लब को। आइए दोस्तों दूसरा पेज में दिखा देता हूँ, नीचे से राइट हैंड साइड से बने हुए रूमी भाई, ऊपर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड से संजीव भाई आए हैं। रूमी भाई ने चपटा बाहर खींचा, देखिए संजीव भाई ने पूरा गद्दा मारा है, डोड़ों में रख लिया रूमी भाई, बहुत ही अच्छा यहाँ पर ही लैंड करा दिया संजीव भाई को, बहुत ही शानदार 2 पतंग काट चुके हैं हमारे रूमी भाई। ये देखिए हमारे रूमी भाई खतरनाक, बिल्कुल देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पेच काटा है, 2 पतंग हो चुके हैं हमारे रूमी भाई का और बोल भी रहे हैं पानी गुड्डी से काट देते हैं हम, और ये करके दिखाया है। आइए दोस्तों मैं तीसरा पेच हमारे रूमी भाई का दिखा देता हूँ,
पेच अभी फिरे नहीं गए हैं। राइट हैंड साइड से ध्यान दीजिएगा, रूमी भाई बने हुए हैं और ऊपर से देखिए आए हैं गोल्डन काइट क्लब। ध्यान दीजिएगा पेच की दूरी 500 मीटर, तीसरा पेच है ध्यान दीजिएगा। चलिए हाथ की तरफ ढुकते हुए, वो भी उनके हाथ की तरफ ढुकते हुए, अब सही हो जाएगा। पेच सही नहीं हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वहाँ से आवाज़ नहीं आई, दोनों तरफ से आवाज़ आना चाहिए। चलिए पेच सही हो चुका है, अब ध्यान दीजिएगा जैसे ही सही होता है रूमी भाई पूरी खड़ी कर लेते हैं पतंग। ध्यान दीजिएगा पूरा खड़ा कर लिया है, देखिए वो गद्दा मारे रूमी भाई ने, चपटा बार खींचा है, वो पूरा गद्दा मारे, बहुत ही अच्छा पेच यहाँ पड़ी रूमी भाई ने काट दिया है दोस्तों, और लगातार 3 पतंग काटते हुए ये देखिए हमारे खतरनाक रूमी भाई आए। दोस्तों रूमी भाई का चौथा पेच मैं दिखा देता हूँ, नीचे से देखिए राइट हैंड साइड से बने हुए हैं हमारे रूमी भाई और ऊपर से आए देख सकते हैं गोल्डन काइट क्लब, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से गोल्डन काइट क्लब लड़ा रहे, आई थिंक ये पेच संजीव भाई लड़ा रहे गोल्डन काइट क्लब से, ठीक है। चलिए हाथ की तरफ बढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा, पूरी हाथ की तरफ ढुकते हुए पेच सही नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा फटाव करने के बाद ही पेच सही होता है। ये देखिए अब लग रहा है पेच सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों दोनों हाथ की तरफ आते हुए सही का इशारा लेते हुए सही किया। चलिए सही हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों दोनों तरफ से सही का आवाज़ आया है और सही हो गया पेच, जैसे सही हुआ पूरी चेहरे की तरफ आते हुए ये दोनों पतंग का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पतंग लड़ रही है, ये देखिए ये जो दोनों हैं राइट हैंड साइड से नीचे से रूमी भाई बने हुए हैं और ऊपर से गोल्डन मेंबर्स गोल्डन काइट क्लब देख सकते हैं, पूरी पूरी उठा के देख सकते हैं, सीधी 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 करके पूरी उठा लिया पतंग। चलिए हाथ की तरफ ढुकते हुए रूमी भाई ध्यान दीजिएगा, पूरी हाथ की तरफ ढुकते हुए चौथा पेच है, देखना है 7 की पेच है दोस्तों, जो 7 काटेगा सलाना में वो जीत जाएगा। चौथा पेच है, पूरा उठा के दिया है संजीव भाई ने, देखिए गद्दा शो किया रोका, देखिए थपक के पूरा आसमान में कर ले रहे पतंग, अंदर खींचा है रूमी भाई और यहाँ रगड़ा गए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और रूमी भाई यहाँ कट गया दोस्तों। गार्डन के सब मेंबर्स यहाँ पर ही देख सकते हैं, अमर भाई हैं, पोचू भाई हैं, देख सकते हैं गुजा भाई हैं और भी सब मेंबर्स हैं, देखिए यहाँ विवेक भाई है ये देखिए, और वहाँ गोल्डन काइट क्लब से देख सकते हैं सभी भाई, अंजन भाई को देख पा रहा हूँ, देखिए देवाशीष भाई है, बाबू भाई है, संजीव भाई है, ये देखिए संजीव भाई है, बाबू भाई है देखिए पीछे अंजन भाई के बगल में, तो ये सब लड़ रही है दोस्तों। चलिए मैं पेज दिखा दीजिए किस साइड, वो साइड में भी देखिए मेंबर्स है गोपाल भाई, चलिए ठीक है। आइए दोस्तों पोचू भाई का पेज मैं दिखा देता हूँ, नीचे से राइट हैंड साइड से पोचू भाई और ऊपर से है गोल्डन काइट क्लब, ध्यान दीजिएगा पेज सही हो चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा हाथ की तरफ बढ़ते हुए बाहर निकाला है पतंग को, देखिए पूरी अपने आसमान में कर लिए पोचू भाई रोका, देख सकते हैं वो गद्दा शो किए हैं पोचू भाई ने, थपक के देखे बाहर चपटा खींचा है पलट के अंदर, वाह 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 बहुत ही अच्छा, यहाँ झोल कटेगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झोल बनी हुई थी उसी झोल में बहुत ही अच्छा पेच काटा है यहाँ पर हमारे पोचू भाई ने, उसी झोल को खींच के काट दिए हैं हमारे पोचू भाई ने। दूसरा पेच मैं दिखा रहा हूँ आपको पोचू भाई का, नीचे से पोचू भाई बने हुए हैं राइट हैंड साइड से, ऊपर से आए हैं देखिए गोल्डन काइट क्लब से बाबू, बाबू लड़ा रहे हैं ये पेच को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों पूरी हाथ की तरफ ढुकते हुए देख सकते हैं बाबू भाई हमारे, देखिए पूरी हाथ की तरफ ढुकते हुए पोचू भाई भी उनके हाथ की तरफ ढुकते हुए, वहीं से चपटा खींचा है फिर से अंदर मार रहे, देखिए वो पूरा गद्दा मार दिए हैं, वो अंदर ठेल के थपका रहे हैं हल्के हाथ से, वो बल में रख दिया दोस्तों, रिक्स हो सकता था, जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पेच यहाँ पर ही काट दिया है बाबू ने, और देखिए उनकी पतंग भी कट गई, मगर ये पेच मिल जाएगा उनको क्योंकि काफ़ी बल यहाँ खा चुकी थी, तो ये पेच उनको मिल जाएगा गोल्डन काइट क्लब को। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे बिट्टू दा पेच में नीचे से लड़ाएंगे पिकनिक गार्डन से, चलिए मैं उनका पेच दिखा देता हूँ, नीचे से बिट्टू भाई है राइट हैंड साइड से, ऊपर से है देख सकते हैं ओपोनेंट गोल्डन काइट क्लब, चलिए पेच भी सही हो चुका है, देवाशीष दा लड़ा रहे हैं चपटा बाहर खींचा है, वो गद्दा चल दिए हैं देवाशीष दा ने भी पूरा गद्दा चल दिया, वोट कट्टी पट मार रहे हैं, बहुत ही अच्छा पेच
यहाँ पर देवाशीष दा ने काट दिया है, अच्छा पेच काटा है यहाँ पर ही बिट्टू भाई को, और गोल्डन काइट क्लब से पहला पेच यहाँ पर काट दिया इस पतंग से के हमारे फोचू भाई। ठीक है, ये देखिए उत्तम भाई को मदद करते हुए फोचू भाई का, ये देखिए बहुत मदद करता है। अब प्लेयर अच्छा भी है हम लोग का उत्तम भाई, कैसा प्लेयर है फोचू भाई? अच्छा प्लेयर है। हाँ ये देखिए उत्तम भाई स्टोरी स्टोरी गला मिलते हुए उत्तम दा से, कैसा लग रहा है देवाशीष दा? बहुत अच्छा, आज का गेम मजा आ रहा है ना मैदान का खेलने का, अलग ही मजा हम लोग का दुनिया में हवा में अच्छा लड़ता है, ये छत्ता में ये आनंद नहीं मिलता, ये मजा नहीं मिलता है। अच्छा लगा आपको ग्राउंड चबागा देख तो सकते हैं ऑल इंडिया का जी 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 देखा है। ये इसमें हुई थी ऑल इंडिया हम लोग की जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा थैंक यू, हम लोग चाहते हैं तुम लोग यहाँ से टूर्नामेंट करो यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कुछ सेलिब्रेट होते हुए पिकनिक गार्डन काइट लवर की तरफ से सलाना का, ये मिसाइल उड़ता हुआ दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए बुबाई दा रूमी भाई, अच्छा अच्छा, और सब दर्शक ये देखिए सब भाई लोग, कैसा लगा आज का गेम? खूब भालो लग लो तो अनेक भालो देख सकते हैं, ये देखिए रूमी भाई हाई कर दीजिए रूमी भाई, ये देखिए जहाज उड़ाते हुए हम लोग का मैराथन, ये देखिए हमारे पिनू दा, ये देखिए भाई बोलो पिकनिक गार्डन की जय, जय ऐसा सालाना होते रहेगा हर साल। ये देखिए सभी है सभी भाई लोग, ये देखिए ये देखिए अमर भाई आते हुए, ये देखिए देवाशीष दा यहाँ पर ही, चलिए पिकनिक गार्डन हिप हिप उड़ रहे हिप हिप उड़ रहे, चल जाएगा और ये जाता हुआ देख सकते दोस्तों, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, ये पिकनिक गार्डन काइट लवर, ये देखिए ये जाता हुआ देख सकते हैं माहौल, ये देखिए जाता हुआ, अरे वो वहाँ एक पतंग भी है, वो देखिए चिंटू भाई की पतंग भी है, ये देखिए ओ माय गॉड,